हेलो गुड इवनिंग एवरी वन. इफ यू आर ए क्लास 10 स्टूडेंट एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम देन दिस वीडियो इज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू. वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख के आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ. हमारा आज का वीडियो का जो क्वेश्चन है वो है फाइंड आउट द एसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आप वीडियो में बने रहो, मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इस टाइप का मैथ्स को आप कैसे सॉल्व करोगे. सो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सबसे पहले आप लिखना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. आप लिखेगा यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड आप ऐसे लिख लीजिएगा. उसके बाद आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन में देखिए आपको दिया हुआ है 96 एंड 404 दो नंबर्स दिया हुआ है, तो आपको एक साइड में 96 ऐसे लिख लेना है और दूसरे साइड में 404 को लिख लेना है. उसके बाद आपको क्या करना है, 96 एंड 404 को दोनों को ब्रेक कर देना है. तो 96 को चलिए ब्रेक करते हैं, तो हम लोग 3 लेंगे बिकॉज 3 3 9 एंड 3 2 6 होता है. फिर हम 2 लेंगे, 2 16 32 होता है. फिर 2 ले लीजिए, 2 8 16 फिर 2 ले लीजिए, 2 4 8 अगेन 2 लीजिए, 2 2 4 अगेन 2 ले लीजिए, 2 1 2. तो इस प्रकार से हमारा 96 ब्रेक हो जाता है यहाँ पे. फिर हम 404 को ब्रेक करेंगे, फिर से हम 2 लेंगे, 2 20 40 2 2 4 फिर आप 2 ले लीजिए, 2 10 20 2 1 2. तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास बच गया 101. सो 101 को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, तो हम इसको यहीं पे छोड़ेंगे. इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में ऐसे डेयर फोर डे के 96 को लिखिए और 96 में आपके पास जो भी मिला उसे आप लिख लीजिए. तो आपको क्या मिला, आपको मिला 3 मिला, फिर कितना 2 मिला, 1 2 3 4 5 आपको 5 2 मिला. तो आप 5 2 को ऐसे लिख लीजिए. उसके बाद 404 में आपको कौन मिला उसे ले लीजिए. तो आपको 404 में मिला है 22N, आपको मिला है 22N101. इस प्रकार से आपको मिल गया है. आई होप आप इतना समझ गए होंगे. इतना हो जाने के बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि therefore ACF, मतलब आपको ऐसे निकालना है. तो ACF क्या निकाला जाता है, आपको देखना है कि आपका ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों रो है, इस रो में कौन सा नंबर सेम है उसे निकालना है. तो आप देखिए मेरा ऊपर का रो में 2 है और नीचे का रो में भी 2 है. फिर मेरा ऊपर का रो में 2 है, फिर नीचे का रो में भी मेरा 2 है. ऊपर का रो में 3 है लेकिन नीचे का रो में 3 नहीं है, तो मैं 3 को नहीं ले सकता. तो आपको क्या करना है, आपको दो कॉमन नंबर्स में से लेना है. तो मेरा इस रो में 2 2 है, तो दोनों 2 में से मैंने एक को लिया. फिर इस रो में 2 2 है, दोनों में से मैं एक को लूँगा. अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 का आपका बन जाएगा 4. दैट मीन्स क्या कि हमारा जो एसीएफ है वो कितना है, 4 है. अब इतना आप नोट कर लो. इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है. तो आप एलसीएम कैसे निकालोगे, अब फिर से लिखना कि अगेन अब आपको एक फॉर्मूला लिखना होगा एलसीएम के लिए. आप लिखिएगा एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ ऐसे नंबर्स ऐसे लिख लीजिएगा बाई एचसीएफ. ये वाला फॉर्मूला लिखना होगा. अब आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैथ्स को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स आपका जो दो नंबर्स था वो क्या था, तो हमारा दो नंबर्स था एक 96, प्रोडक्ट का मतलब होता है इंटू, और दूसरा वाला नंबर था 404. फिर बाई एचसीएफ, तो थोड़ा पहले हम लोगों ने एचसीएफ निकाला था, कितना था वो 4 था. अब आपको यहाँ पे कटिंग करना है, तो हम इस प्रकार काट सकते हैं कि 4 1 4 4 2 8 1 इसको दे देगा 16 बन जाएगा, 4 4 16. दैट मीन्स हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 24 × 404. अब आप 24 और 404 को कहीं पे मल्टीप्लाई करके देखिए तो आपको मिलेगा 96 एंड 96. That means 9696 आपको मिलेगा. So in this way we can take out the LCM and ACF of any number by using this method. Thank you for watching the video. Yes!